नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। ये क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोगात्मक अभिक्रिया। नंबर सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। नंबर थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नंबर फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नंबर फाइव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम इन सिर्फ चार को कवर करेंगे। पांचवा है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये फॉर्मेलिटी होती है। तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से क्लियर है, संयोगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। जैसे कि होता नहीं है कुछ ऐसा हो जाना, शादी हुई आपकी, पति पत्नी मिलने के बाद लोग क्या बोलते हैं, दो जिस्म एक जान। तो ऐसा ही कुछ होना है कि दो तीन लोग मिलकर केवल एक बन जाए। नाम से क्लियर है कॉम्बिनेशन, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट मेक्स अ वन प्रोडक्ट। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे, उस अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सीधी सीधी डिफिनेशन, एक बार डिफिनेशन फिर सुन लीजिएगा। दो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दो तीन देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए, H2O, बैलेंसिंग हो जाएगी ना, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O, और ये आपका इसका क्या है, पहला एग्जाम्पल है। दो मिलकर क्या बना, एक बना। इसी तरीके से और हो सकता है C+O2CO2, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दो मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, तो कहने का मतलब है जिसमें भी दो या दो से अधिक चीजें मिलेंगी एक बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल ढेर सारे हो सकते हैं। एग्जाम में देखिए कैसे आता है, एग्जाम में कभी कभी ऐसे आता है ना कि बताइए इसका किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चार ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन है तो आप देख कर बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, ये संयोजन अभिक्रिया है। तो ये आपका पहला हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, इसका जस्ट रिवर्स। जस्ट रिवर्स मीन्स संयोजन का उल्टा क्या होगा, वियोजन, टूट जाना। परिभाषा आप खुद से अपने दिमाग में सोच सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफिनेशन खुद से सोचिए क्या होगी, सोचिए तब तक मैं ब्लैक बोर्ड में, डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया। अच्छा देखो, नाम से क्लियर है, आप देखिए वियोजन मीन्स टूट जाना, मतलब कोई एक आदमी है और उसके आपने काट काट के ढेर सारे टुकड़े कर दिए। ऐसा आप लोग कभी करना नहीं ना, ये हिंसात्मक प्रवृत्ति अपने दिमाग से एकदम हटा लीजिए। कभी जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है ना, जब मजहबी चीज़ें आती हैं, धार्मिक चीज़ें, कि मैं इसको काट डालूंगा, पीट डालूंगा। अगर आप नए जनरेशन के आदमी हैं तो आपके दिमाग में ये थॉट्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। यार मैं कह रहा हूँ, बुद्धिमान लोग कहते आ रहे हैं सदियों से, तो इस बात को समझिए। धर्म जाति कुछ नहीं होती, इंसान और इंसान की पहचान, इंसान के काम ही सब कुछ होते हैं। तो वियोजन, अब बात करें वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे। ओनली वन रिएक्टेंट मेक्स टू आर मोर प्रोडक्ट, मतलब दो या दो से अधिक, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज्ड इनटू CaO+CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये सोचिए किसका एग्जाम्पल है, पेपर में पूछ लिया, आंसर क्या है, वियोजन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक अभिकर्मक है, इधर अभिकर्मक होता है, इधर उत्पाद, एक अभिकर्मक है, प्रोडक्ट कितने हैं, मोर देन वन, टू है ना, टू या थ्री कुछ भी हो सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया का। और भी देख ले, 2HCl
H2+Cl2। इन सब को अगर डिफिनीशन वाइज आता है तो मैंने डिफिनीशन वाइज बताया है, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसे आए पहचानने वाला तो आप देखकर ही पहचान सकते हैं, एक था ज्यादा बन गए तो डिकम्पोजिशन। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा, डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन या विस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो प्रतिस्थापन मींस क्या होता है कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी जगह किसी और ने ले ली, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन। एक की जगह किसी और ने एक्वायर कर ली, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद अभिकर्मकों द्वारा प्रतिस्थापन से बनता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद अभिकर्मक के प्रतिस्थापन द्वारा बनता है, मतलब एक ने दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं। द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिंक प्लस अब मैं क्यों सॉरी बोला उसका रीजन आपको चैप्टर थर्ड में समझ में आएगा, कॉपर प्लस थोड़ा सा फंबल हो रहा है, जिंक प्लस CuSO4 प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnSO4+Cu। अब देखिए जिंक की जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब जिंक ने यहां पर अगर समझिए सल्फेट से क्या लगा था, कॉपर, जिंक ने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया और बन क्या गया, ZnSO4+Cu। अब जिंक ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस्ड किया, मैंने दो बार उसको क्यों हटाया था, कॉपर जिंक, क्योंकि एक इसका रीजन क्या है ना, आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या जिसको हम और बोल सकते हैं दूसरा नाम रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें जो ऑर्डर होता है जिंक का कॉपर के ऊपर होता है, तो जो ऊपर होगा वो डिस्प्लेस्ड कर पाएगा। तो रीजंस पे नहीं जाते हैं, अगर इस कभी पूछा जाए ये किसका एग्जांपल है तो आंसर किसका, डिस्प्लेसमेंट का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। कैसे, समझिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले लें तो ले सकते हैं ZN+H2SO4, चलो इधर लिख लेते हैं ZN SO4+H2। जिंक ने इस बार किसको डिस्प्लेस्ड कर दिया, हाइड्रोजन को। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब बात करते हैं चौथा। मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि वीडियो छोटा बनने वाला है, डिफिनीशंस सिर्फ आपको जाननी है, मतलब समझना है, एक नंबर का ही क्वेश्चन आना है, डिफिनीशन वाइज आएगा या पहचानने वाला आएगा, लेकिन आपको सारे टाइप्स पता होने चाहिए भविष्य के लिए, क्योंकि पढ़ाई आपको जिंदगी भर करते रहनी है। तो नंबर फोर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, नाम से आपको कुछ क्लियर हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं मतलब कि परस्पर प्रतिस्थापन होगा, कि मेरी जगह उसने ली, उसकी जगह मैंने ले ली। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद अभिकर्मकों के परस्पर प्रतिस्थापन द्वारा बनता है, उन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्टेंट ईच अदर, एक दूसरे के विस्थापन से बने। एग्जाम्पल इसका अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ZnSO4+BaCl2। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब एकदम आसान है, अब होगा क्या, इसमें परस्पर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको समझे, मैं पहले लिख दे रहा हूं कैसे बनाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ZnCl2+BaCO4, BaSO4। अब होता क्या है, देखिए पहले एग्जांपल समझिए,
जेडन ने किसको विस्थापित कर दिया, जेडन Cl2 से मिल गया BaSO4, तो मतलब इसने इसको विस्थापित किया, इसने इसको विस्थापित किया, तो परस्पर क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। इससे यह विस्थापित हुआ, किया किसने, इसने। इससे यह विस्थापित हुआ, किया किसने, इसने। तो परस्पर प्रतिस्थापन द्वारा बने उन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको और एग्जांपल वाइज देखें, AB+CD कहीं पर लिखा हुआ है, तो अगर ये रिएक्शन है तो ए ने सपोज AC से मिल जाएगा, BD से मिल जाएगा, परस्पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसने इसको किया, इसने इसको किया, और नया प्रोडक्ट बना। ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एक और लिख लेते हैं, NaCl+CuSO4। अब ये रिएक्शन होगी। अच्छा, रिएक्शन कैसे होती है, उसके हम मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। सोडियम किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में। कॉपर किस में टूटेगा, Cu+2SO4-. अब होता क्या है ना, प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, इसके माइनस से, तो क्या बन जाएगा, NaSO4, और ये किसको, प्लस वाला माइनस से। मतलब परस्पर डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होंगे। मतलब आयनिक कंपाउंड जब होंगे तो एक दूसरे को परस्पर डिस्प्लेस्ड कर देंगे। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। रीज़न क्या है, Na2SO4 होगा। बैलेंसी वाला रूल मैंने फॉर्मूला लिखना बताया था कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। भाई ये समझिए, ये एक प्लस का, ये दो माइनस के, और जो भी बनता है ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको दो, और दो होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वही फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उससे आप समझ सकते हैं। तो ये चार टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी हैं आज वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो लंबा वीडियो होगा, वो इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप समझ लीजिए। कभी कभी डिफिनीशन लिखने को आती है तो अपनी कॉपी में डिफिनीशन नोट कर लीजिए, और बाकी पहचानना आता है तो पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।